नगर पंचायत जयपुर में विगत 3 माह से आए हुए कलाकारों ने अपने हस्त से अनेकों प्रकार की मूर्तियां हूबहू बनाई। वहीं पर हस्तकला से बने हुए चित्र को पेंटिंग का कार्य किया। उन्होंने यह बताया कि हम लोग अपने परिवार के साथ आए हैं और अपने हस्त के माध्यम से लोगों को अवगत करा रहे हैं, जिसमें कि देवी के साथ शिक्षा, यातायात, संगीत, नृत्य के साथ ही प्राकृतिक चित्र को उकेरे गए। यह कला इसे ऐसा लग रहा था कि किसी भी चीज को हूबहू चित्रण कर रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा है कि साक्षात उसी का स्वरूप, अलौकिक जिसे कहा जा सके, वह दिखाई पड़ रहा है। यह विरले लोग ही इस कला में पारंगत होते हैं जो किसी का चित्र को उसी की तरह उकेर सके, जो यह नजारा साक्षात इन दिनों नगर पंचायत जयपुर में दिखाई पड़ रहा है। आपका नाम क्या है? प्रशांत चंद्र। कहाँ से हैं आप? कलकत्ता से आया। आप लोग क्या काम करते हैं? हम लोग सीमेंट का आर्टिस्ट है, जो मूर्ति फूर्ति बनाता है और कलाकारी करता है, वो पेंटिंग भी करता है, मूर्ति भी बनाता है। अच्छा, तो आपके साथ में कितने आदमी आए हैं? हमारा साथ 4 आदमी है। 4 आदमी आए हैं। अच्छा, और कितना दिन हो गया आपको यहाँ आए? 3 महीना हो गया। 3 महीना। तो आप लोग अभी पूरा अपना काम पेंटिंग वाला कर चुके हैं? पूरा पेंटिंग कर दे, पूरा कंप्लीट कर दूंगा ना जी। आपको अच्छा लग रहा है यहाँ जयपुर में? जयपुर में अच्छा लग रहा है। और भी काम करेंगे, वो नगर पंचायत के सामने थोड़ा काम बचा है, वो भी हम करेंगे। चलिए ठीक है, काम मिलेगा। नाम क्या है? विपुल चंद्र। कहाँ से हैं? कलकत्ता। क्या काम करते हैं? पेंटिंग करते हैं। और आपके साथ में कितने जने हैं? कितने जने हैं आपके साथ में? मेरा भाई है। आपको भाई है? भाई तो हाँ। भतीजा। तो आप ये कार्य कितने दिन से कर रहे हैं? कितने दिन से काम कर रहे हैं? तो बुढ़ा हो गया। बुढ़ा हो गया। आपको उम्र क्या है? 78 वर्ष। तो आप यहाँ आए हैं नगर पंचायत जयपुर में, तो कितना दिन हो गया आपको यहाँ आए? 2 महीना हो गया। चलिए ठीक है।